नियर अराउंड 7 नहीं, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट ईजीसी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं 20 रोड पे, और उसके बाद जो रेगल टॉस है यहाँ पे टाइम देने की फुल कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सामने टीम है वो है ईजीसी, अपनी वन बुलेट यहाँ पे रेगल टॉस अपने लिए किल कंफर्म कर ली है एंड सोल स्टार्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। या पहन यहाँ पे हम देख सकते हैं एक किल इन्होंने कंफर्म किया, ईजीसी के प्लेयर्स रोटेट करते हैं, उनके रोटेशन को पिकअप किया यहाँ पे वाइपर और रेगल टॉस वापस गाड़ी में बैठ के रोटेट करना चाहेंगे। एंड अगर हम बात करें बाकी सारे टीम जो कि यू नो एक्चुअली फाइट कर रहे हैं, बीटीआर मेगा टेन जाओगे तो आपको ज्यादा ओपन रह के और परेशानी हो सकती है, बट कुछ टीम जैसे यूनिकॉर्न गेमिंग दे आर स्टिल स्टक टू द मिलिट्री बेस और वो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। यहाँ पे यूडो वर्सेस सोल की फाइट हो चुकी है, वहाँ पे यूडो के प्लेयर अंधा पुश कर रहे हैं सोल पे एंड यहाँ पे क्लच गॉड ने पिक ऑफ किया दो प्लेयर को, वहाँ पे रेगल्टॉस नॉक हुए थे, वाइपर भी नॉक्ड है, यहाँ पे क्लच गॉड एंड मॉर्टल आ चुके हैं एंड आई गेस अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पे इन्होंने किल सिक्योर किया। यूडो के गीक अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं एंड जली भी गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो आई गेस सोल के चारों बंदे रिवाइव हो जाएंगे। यूडो ने यहाँ पे पुश करने की कोशिश की, सोल यहाँ पे अपने खाते में 3 किल लिखते हुए एंड यूडो की टीम जो है वो बैक ऑफ करेगी। एंटिटी अभी भी स्नैप है, होल्ड कर रहे हैं, आराम से अपना लूट कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू एंश्योर दैट देर द बेस्ट इक्विपमेंट व्हेन दे ये वाटर स्पॉट के आसपास है। हाँ एंड लक्सी वहाँ पे अकेला काफी एडवांस पोजीशन पे गया है, रिच के सामने चला गया, एंटिटी को पुश करना चाहेंगे, जोनाथन एंड नियो को आई गेस जोनाथन एंड नियो वहाँ पे अकेले दो प्लेयर्स है बिकॉज आई डोंट अच्छा घातक और अमन भी है, अमन काफी लेफ्ट की तरफ जा चुका है, अगर अमन पीछे पहुंच जाता हूँ जक्सी कितना अग्रेसिव पोजीशन लिया है, जक्सी को आप देख सकते हो वो बिल्कुल ओपन में चला गया, वहाँ पे नॉक होकर फिनिश हो गया। आई थिंक किसी भी टीम को फ्री किल्स देना चाह रहे होंगे बीटीआर पर, यहाँ पे देखते हैं कि क्या एंटिटी इसको 4 किल्स पे कन्वर्ट कर पाती है। यहाँ पे एक उनका नॉक है, अमन काफी क्लोज आ चुका है, मैकबर उसको स्पॉट कर लिया होगा, यहाँ पे मैकबर के पास एक एडवांटेज था, स्लाइट मिलीसेकंड का एडवांटेज था, पर यहाँ पे मैकबर को काफी स्प्रे मिलते हुए घातक ने वहाँ पे जक्सी को कंफर्म किया, एक किल अपने खाते में लिखा। बीटीआर इज डाउन टू 3 मैन एंड बीटीआर टोटल 128 किल्स एज ऑफ नाउ। यहाँ पे बीटीआर पे हैवी स्प्रे, नियो और जोनाथन मिलकर अगर ये कार बस्ट कर देते हैं तो उस डैमेज से लक्सी नॉक हो सकता है। यहाँ पे मैकबर भी काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, अमन काफी अग्रेसिव पोजिशन में, उनको काफी केयरफुल रहना होगा, पीछे से भी कोई टीम आती है तो उनको दिक्कतें हो सकती है, देखना होगा किस तरह से ये गेम बनता है। जोनाथन ने यहाँ पे राइजन को पिक ऑफ कर लिया है एंड यस अमन काफी ज्यादा ओपन एंड ही इज टेकिंग ओपन शॉट, बट यहाँ पे अमन एंड एंटिटी ये अभी पीएमसीओ की नंबर वन टीम के साथ खेल रहे हैं, देखिए एग्रेशन देखिए बिल्कुल डर नहीं है और घातक ने यहाँ पे पूरे लगाकर डीपी का जो प्रदर्शन दिखाया है, यहाँ पे लक्ष्य को पिक ऑफ कर लिया, भाई आपने हाईएस्ट फ्लैग लिए होंगे अपने घर पे अभी के लिए, अगर आपने एक भी गलती करी हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम आपको पनिश कर सकते हैं। यहाँ पे घातक ने गाड़ी खत्म करी, लक्ष्य और राइजन की कंप्लीट करी और एंटिटी ने बीटीआर को एलिमिनेट किया। व्हाट अ गुड पुश, क्या बेहतरीन। यहाँ पे ऑरेंज वर्सेस मेगा के होने के वहां पे यूनिकॉर्न के हॉन्ग ने पिक ऑफ किया मॉर्टल को एंड आई गेस यहाँ पे सोल के लिए तकलीफ होते हुए यहाँ पे पूरे टीम को इसी कारण यू नो फॉल बैक करना पड़ा, उनका रोटेशन कट रहा है। यहाँ पे यूनिकॉर्न गेमिंग के प्लेयर्स काफी अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, आ चुके हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स, यहाँ पे 4v2 का सिचुएशन है, पीछे से एक प्लेयर कवर पर दे रहा है, मॉर्टल हील अप हो चुका है, वाइपर पे पुश कर चुके हैं दोनों प्लेयर, अब हमें देखना होगा रायन यहाँ पे उजी यूज कर रहा है, उजी सोल के लिए बहुत ही खराब रहा, यू नो उजी को इन लोग किसी यूज नहीं करता, हमें प्रोन किया रायन ने एंड कितने बेहतरीन तरीके से पिक ऑफ किया क्लच गॉड को, मॉर्टल अकेला बचा, रायन से पिक ऑफ ना हो जाए एंड यहाँ पे आई गेस इट्स अ 1v1 सिचुएशन एंड यहाँ पे हॉन्ग आता हुआ, हॉन्ग बगी से उतरेंगे एंड वहां पे वो कोशिश करेंगे, ऑल द मॉर्टल ने कंफर्म कर लिया, टीपी एडवांटेज है मॉर्टल का, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, गन प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यहाँ पे हॉन्ग ने आके सोल को एलिमिनेट कर दिया। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग, हर गेम में यही गलती, इट मेक्स नो सेंस कि आप ऐसे 4v2 इजी फाइट्स अगर आप हार जाओ तो बड़े प्लेटफॉर्म में इफ यू डोंट एक्सपेक्ट सच स्टफ देन इट्स वेरी बैड। यू नो वहां पे जिस तरह से आई गेस इट वाज क्लच गॉड हु गॉट नॉक्ड, आई थिंक दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, एक बंदा उनके सामने प्रोन हो गया, आप उसको पिक ऑफ नहीं कर पाए, बंदा 1 HP में आपके दो बंदों को ले गया। हाँ वो जो स्टार्टिंग में जो पे नॉकआउट है वो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, बट यहां पे स्ट्रक्चर के लिए काफी मुश्किल होगा, क्लाउड ने रश कर दिया यहां पर, काफी कम एचपी बची है यहां पे टीम और विस्टिक भी यहां पे पिक ऑफ हो चुके हैं एंड एक एक करके यहां पे टीम जो क्वेसो है उनको यहाँ पे हंट डाउन किया जा रहा है, अकेले मार्को बचे, मार्को ने यहाँ पे डेट मारने की कोशिश करेंगे पर ज्यादा देर बचेंगे नहीं, आखिरी में अपनी किल भी वो दे बैठेंगे और यस 14 पोजीशन पे टीम क्वेसो। यहाँ से अगर क्लाउड नाइन की बात करें, क्लाउड नाइन को जल्दी से जल्दी स्कोर सर्कल में जाकर अपने आपको थोड़ा प्रोमिनेंट पोजीशन लाना पड़ेगा। जोनाथन ने यहाँ पे D2 को पिक ऑफ करा, वहाँ पे कट शॉट के बेबी ने नियो को एंड ईयर्स ने यहाँ पे ब्यूबल को, आई वांट टू सी एनटीटी वर्सेस आरआरक्यू, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और क्लाउड नाइन के प्लेयर्स यहाँ पे इस मोह के दलदले में टॉप स्पोर्ट का शिकार बनते जा रहे हैं, क्लाउड नाइन के 2 से 3 प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट है और अकेले बचे तो अनिवन के साथ पूरे क्लाउड नाइन का सफर खत्म होता है, 10वें पोजीशन पे निकलती है यहाँ पे क्लाउड नाइन और अब हमें रिलेंस में धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई, लोगों के मुंह बंद करा दिए, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल फाइनल की शुरुआत करी थी भाई सब पागल हो गए एंड वहां पे जोनाथन ने पीओवी को फिनिश ऑफ करके अपने लिए आई गेस एनटीटी हैज सिक्योर्ड अ टॉप 5 फिनिश बिकॉज
अभी अगर उन लोग मर भी जाए तो आई एम प्रीटी श्योर दे गेटिंग अ टॉप 5 फिनिश. यहाँ पे ऑरेंज के प्लेयर्स एलिमिनेट होते हुए ऑरेंज की पूरी टीम ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन एंड एंटिटी इज हियर टू ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट एंड हिस्ट्री. अगर उन लोग टॉप 5 फिनिश करते इट्स गोना बी सो गुड सो ग्रेट. एंड टेस्ट की ईगल वहाँ पे मेगा के यहाँ पे एक नेट करना चाह रहे हैं के एस के आर को. ऑलमोस्ट 1 एचपी छोड़ा बट आई थिंक यहाँ पे पिक ऑफ हो गए जोनाथन एंड वहाँ पे घातक खड़े हुए एंड उसको उनको यूनिक के ओल्ड बॉय ने पिक ऑफ किया. यूडू ने यहाँ पे टेस्ट के एस को फिनिश कर दिया. वी आर डाउन टू अ 3v1v2v1 सिचुएशन एंड इट्स नाउ एंटिटी गेटिंग एलिमिनेटेड एंड मेकिंग इट एंड सिक्योरिंग देयर टॉप 5 स्क्वाड. मतलब बहुत ही सही तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से टॉप 5 सिक्योर्ड फॉर इंडिया एंटिटी गेमिंग इट इज. एंड यहाँ पे अब अगर हम बात करें टेस्ट स्टिल फाइटिंग फॉर इट 2v2v1 सिचुएशन बहुत ही सनसनी खेज बन चुका है. ये बहुत ही सनसनी मामला है. यहाँ पे टेस्ट इज बेटिंग फॉर मतलब बहुत मेजर डिफरेंस इन प्राइस पूल. यहाँ पे जैसे सिंगल ने पिकअप किया यूनिक के रोज को बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक किया रोज ने टेस्ट का. बस यहाँ पे थोड़ा केयरफुल है रोज को उन्होंने कंफर्म किया इट्स अ 2v1v1 सिचुएशन. टेस्ट बहुत ज्यादा पेशेंस का टेस्ट है ये उनका टेस्ट के लिए. टॉप स्पोर्ट्स यहाँ पे ईगल ने पिकअप किया किट्सुन को एंड नाउ इट्स अ 2v1 सिचुएशन. यूनिक के याशा पीछे गलतियां ना करे अपना मोमेंटम ना खोए इजिली स्लोली calmly they can get this chicken dinner they can secure this temper. मुझे उनके चेहरे में खुशी देखनी है. Also not to forget that extra $5,000 and यहाँ पे test getting that chicken dinner and making their way into top 2. क्या गेम था मतलब what a game. NTD sitting like beast with 11